वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कैंटो 4 सेवन्थ चैप्टर का समरी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, द सेक्रीफाइस परफॉर्म बाई दक्ष। ओके, तो हमने इससे पिछले चैप्टर में सुना था कि सारे देवी देवता शिव जी को मनाने के लिए पहुंचे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि आपने शिव जी को नाराज़ किया है, विच इज़ नॉट गुड, ही इज़ अ ग्रेट वैष्णवा, और ग्रेट वैष्णव को हम दुखी करके कोई भी चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये देवताओं को समझाया है, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। हम भी कई बार सोचते हैं, हम सक्सेस को नापने लगते हैं। सक्सेस को कैसे नापते हैं हम, कि प्रोजेक्ट कितना बढ़िया गया, लेकिन हमारा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हम देखते हैं कि कितने डिवोटीज हताहत हुए। क्वेश्चन इज दिस, कि वो नहीं है कि सक्सेस ऑपरेशन सक्सेसफुल एंड पेशेंट डाइड। आई डोंट केयर पेशेंट डाइड और नॉट, मैं अपने हॉस्पिटल के लिए इस महीने 100 ऑपरेशन ला पाया। अच्छा, ऑपरेशन का रिजल्ट क्या रहा? अरे, हॉस्पिटल वालों ने तो टारगेट ऑपरेशन लाने का दिया था, पेशेंट बचा है नहीं बचा वो अलग मैटर है जी, ऑपरेशन कितने लाया मैं। तो दैट इज़ नॉट द फिलोसफी हियर। फिलोसफी है कि कितने भक्त प्रसन्न रहे, कितने भक्त आपके कारण भक्तिमय कार्यों में उनको करने में मदद मिली। आपने कुछ भी बढ़िया काम कर लिया हो, चाहे आपने माना 10,000 पुस्तकें बांट दी, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि किस भाव से बांटी, कितने लोग इसमें लगे, उनके साथ क्या आपकी चेतना रही, क्या आपका स्वभाव रहा। सो आवर डीलिंग विद आवर वैष्णव इज़ वॉर इम्पोर्टेंट, इसलिए ये सब उनको समझाया गया, उन्होंने क्षमा मांगी। और उसके बाद शिव जी ने बोला, मैं मेरे हृदय में तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या तुमको माफ़ करूं, तुम मेरे लिए बच्चों जैसे हो, कम इंटेलिजेंट हो देवताओं को बोलते हैं। हाँ, और जो भी मैंने थोड़ा बहुत दांत वाँत तुड़वाए वो तो केवल उनको थोड़ा दिमाग, जैसे बच्चे को कई बार चपत लगा देते हैं, ये पर्पज़ नहीं था, तो मारने मुरने का मेरा कोई पर्पज़ नहीं था, इसलिए डोंट वरी। अब एक काम करते हैं, इनको फिर से ठीक कर देता हूँ, मेरे को अंदर कोई ग्रज नहीं है किसी के लिए। चलो ऐसा करते हैं, दक्ष को बकरे का सर लगा देते हैं, क्योंकि उसने बातें भी थोड़ी ऐसी करी थी। बकरा जैसे तमोगुणी जानवर है, घोर तमोगुणी जानवर है बकरा। हाँ, तो ये उसका सिंबल रहेगा, याद रहेगा कि हाँ, ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि शरीर से ही सारी समस्या पैदा। आप जानते हैं, क्योंकि वो बड़ा सुंदर व्यक्ति था दक्ष, लंबा था, चौड़ा था, क्या शक्ल सूरत, शाइन निकल रही थी अंदर से। कई बार लोग पूछते हैं, आपके यहाँ पर क्या करते हैं प्रभु जी लोग, हाँ, या माता जी लोग, ये इतना ग्लो क्यों कर रहे हैं, कौन सी क्रीम लगाते हैं, कौन सा डीओ लगाते हैं? तो ऐसा कोई क्रीम या डीओ नहीं लगाते हैं, ना ना लगाने की कोई आवश्यकता है। भक्ति में जितना भी आपका नहीं, भक्ति से ग्लो आ जाता है, प्रभु जी आपके चेहरे में नहीं है ग्लो, इसका मतलब आपकी भक्ति कम है। अब हम कई बार, हमारे बड़े बड़े सन्यासी लोग अफ्रीकन भी हैं, एकदम ब्लैक जिसको कहते हैं, काले तवे जैसे, द कलर ऑफ द स्किन इज़ ब्लैक बट द कलर ऑफ द हार्ट इज वट इज़ लाइक मेल्टेड गोल्डन कलर, जब चैतन्य महाप्रभु का। और हमारी स्किन कलर इज लाइक दिस वाइट, एंड हमारा हृदय कैसा है, काला कोयले जैसा। तो इसका उल्टा करना है, और इसका कोई कीमत नहीं है कि चेहरे पे ग्लो आ रहा है या नहीं आ रहा है, इवन दैट डज नॉट मैटर। डोंट ट्राई टू एनालाइज कि किसी व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी उसके चेहरे के ग्लो से निकलेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे ग्लो वाले देखे हैं। कई बार कई लोग यहाँ दाढ़ी बना लेते हैं, यहाँ तक दाढ़ी होती है, लंबी दाढ़ी होती है, तो अलग सा चेहरा दिखता है, वो ग्लो सा दिखता है चेहरे में। उसका एक कारण ये भी है, देखिए जितने भी झुर्रियाँ पड़ती हैं, मैं आपको दिखाऊँ, ये इसी एरिया में पड़ती है। अगर ये एरिया ढक दिया जाए, देखो ये एरिया में, ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये एरिया में झुर्री पड़ गई, यहाँ तो हड्डी है, उस हड्डी के ऊपर मांस है, गाल लटकते हैं तो यहाँ से लटकते हैं। अगर मैंने यहाँ तक दाढ़ी रख ली, इसलिए तो दाढ़ी रखते हैं लोग, खासतौर बुढ़ापे में एक्टर लोग, कि बुढ़ापा छुप गया सारा। हाँ, तो आपको लगेगा क्या ग्लो है चेहरे पे, और इतने ऐसे को रगड़ लो, साफ कर लो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इवन डोंट ट्राई टू एनालाइज कोई व्यक्ति के चेहरे में कितना ग्लो है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि वो व्यक्ति बोल क्या रहा है, क्या वो शास्त्रों की बात बोल रहा है, क्या वो खुद अपने एग्जाम्पल से उसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके शब्द हमें कितने प्रभावशाली लग रहे हैं, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन ला पा रहे हैं, और बाकी चीज़ें सब साइड में कर दीजिए। हाँ, ये है, तो ये सब था, इसी चक्कर में सारी मुसीबत हुई। अब इसलिए बकरे का चेहरा लगा रहेगा तो दिमाग थकाना लगा रहे, इसलिए कभी भी भगवान से रूप तो मांगिए ही ना। रूप तो दूसरों को भी बिवल्डर करता है और हमें भी बिवल्डर करता है, लेकिन लोग फिर भी शादी ब्याह में रूप ही देखना चाहते हैं, मेरी पत्नी कितना सुंदर होगी, मेरा पति कितना सुंदर होगा। दैट इज़ द 99% ऑफ द क्राइटेरिया इज हाइट कितनी होगी, मोटी या मोटा कितना होगा,
चेहरा कैसा होगा जी बाद में? जी चलो जी पढ़ा लिखा, हाँ मेरे बराबर पढ़ा लिखा तो चाहिए जी, जॉब तो करनी ही पड़ेगी जी। देखिए जी बस दैट इज द ऑल क्राइटेरिया, एवरीथिंग खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए शादी एक बहुत बड़ा जुआ बन चुका है आज की डेट में। तो इसलिए शिव जी ने दक्ष को बकरे का सर लगा दिया, लेकिन बुद्धि उसी की इंसान की रही, विच इज़ वेरी गुड। इसलिए हमारा चेहरा भी अगर बकरे जैसा है, किसी का चेहरा बंदर जैसा है, डज नॉट मैटर, इट्स अ ब्लिस, इट्स अ वरदान भगवान का, क्योंकि कभी उसको शीशे में अपने को सजाने की इच्छा नहीं करेगी। वंडरफुल, टाइम बचेगा बहुत बहुत सारा। तो इस प्रकार से हुआ, हर चीज़ के पीछे पॉजिटिव देख सकते हैं। उसके बाद आगे भग से भग वगैरह सबको, किसी को दांत मिला, हाँ किसी को बोला कि अब ये तुम खुद तो खा नहीं पाओगे, तुम अपने डिसाइपल के दांत से खाओगे। हाँ उसके बाद इसमें लिखा है दक्ष और ईच चिक पी। हाँ किसी को बोला गया कि तुम यही खाओगे जिंदगी भर, दलिया खाओगे या ऐसी चीज़ खाओगे। किसी को बोला तुम्हारे शरीर का अंग यहाँ से लग जाए, यहाँ से लग जाए, चाहे भृगु तुम बकरी की, तुम्हारी दाढ़ी उखड़ गई तो तुम चलो बकरी की दाढ़ी ले लो। इस प्रकार से किसी जो अंग वंग जोड़ जाड़ के फिर से पैच वर्क किया गया और सबको जिंदा विंदा करके काम चालू। हाँ अब सब लोग फिर से खुश हैं और एक्चुअली पे शिव जी के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। दैट इज़ ग्रेटफुलनेस। क्योंकि ऐसा नहीं, हे भगवान तुझे तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। कई लोग बोलते हैं थोड़ा सा लंबाई बना देता, थोड़ा सा यही कर देता। इनके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, किसी को तो दांत के लूंगा कि तुम्हारा शिष्य खाएगा तो तुम्हारा फेड़ उड़ जाएगा, जो तुम्हारी दाढ़ी बकरे के लूंगा, सर बकरे का मिल जाएगा वगैरह वगैरह। ये सब बोला गया, लेकिन एवरीबडी इज हैप्पी, क्योंकि उन्हें याद है कि हमने क्या गंदा काम किया था, उसके बदले में हम जी पा रहे हैं। शिव जी आपका धन्यवाद कि हम जी पा रहे हैं। ऐसी दैट्स सेम वे वी शुड थैंक कृष्णा एवरी डे मॉर्निंग। थैंक यू कृष्णा, आई एम अलाइव टुडे बाई योर मर्सी, मैं आज जिंदा हूँ आपके नाम लेने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल, जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है यदि मैं आपका नाम ले पा रहा हूँ तो। तो इस प्रकार से एवरी वन बिकेम वेरी हैप्पी और सब लोग क्या करते थे, सब लोग मिल के अब गए दक्ष की जगह पर। और उसके बाद में दक्ष ने जैसे ही शिव जी को देखा और देखते ही उनका हृदय में उद्गार पैदा हुए और बहुत उन्होंने शिव जी की ग्लोरिफिकेशन करी, सती को याद किया, उनके आंसू आ गए, उनको अपने पर ग्लानि महसूस हुई। जैसे ही उनका दम्भ छूट चुका था सारा, दम्भ जब टूटता नहीं है तब तक हम सॉरी फील नहीं करते कभी लाइफ में। इसलिए कई बार भगवान हमारे सामने ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि हम घुटनों पे गिर जाते हैं और फिर हमारी सारी हेकड़ी जब निकल जाती है तब हमारे को भगवान याद आता है। उसी तरह से कालिया, जब कालिया की हेकड़ी भगवान ने उसके ऊपर नाच नाच के निकाल दी, उसका सारा विष उसके फनों से फुच फुच पिचकारी बन के निकलता गया। यहाँ से पड़ता था पैर जोर से, धम एक पिचकारी निकलती थी, उल्टी होती थी, सारा विष उसका बाहर निकल गया। उसके बाद बताइए जी, मैं आपका भक्त हूँ, फिर सब हेकड़ी खत्म हो गई। तो ऐसी सिचुएशन हम क्यों लाने दें भगवान को, उससे पहले ही हम भगवान को शरणागति हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से दक्ष ने शिव जी की ग्लोरिफिकेशन करी कि आप हमेशा ब्राह्मणों के रक्षक हैं, आप बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन मैंने आपको इंसल्ट किया और फिर भी आपने मुझे क्षमा किया, आप कितने महान हैं और मैं कितना दुष्ट हूँ। तो इस प्रकार से दोबारा से यज्ञ प्रारंभ होता है, सबके एग्रीमेंट से सब लोग बैठ जाते हैं, यज्ञ की प्रोसेस चालू होता है, सब लोग भगवान को आहुतियाँ डालते हैं और ये सब देखकर, उनकी एकता को देखकर अब भगवान वहाँ आ जाते हैं। हाँ तो हमने देखा, हमने सुना कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, कि एट द एंड ऑफ द डे जो झगड़े हमारे हो गए, हमारे से भी झगड़े हो ही जाते हैं, हमसे कुछ ना कुछ कभी कभी झगड़े हो ही जाते हैं, बस में, प्रसादम की जगह पर, जहाँ पर भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वहाँ थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है हमारे बीच में। आने के बाद क्षमा मांगे एक दूसरे से और प्रण ले कि ऐसा अगली बार कैसे ना हो, दैट्स इट। अगर हम इस प्रकार से कार्य करते हैं और मिलजुल के फिर आगे का कार्य चालू रखते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न जाते हैं, क्योंकि जहाँ बर्तन है वहाँ बच ही जाते हैं। वट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेते रहे। तो भगवान वहाँ साक्षात आ गए और बड़े सुंदर लग रहे थे, उनका कॉम्प्लेक्शन ब्लैकिश था, उन्होंने गोल्डन चमकीले पीले कपड़े पहन रखे थे, उनका जो क्राउन था, जो मुकुट था, एकदम चमक मार रहा था जबरदस्त। हाँ और उनके बाल ब्लूइश ब्लैक बीज के तरह थे, उनके कानों में सुंदर इयररिंग्स थे, उनके आठ अष्ट भुजाओं में आए हुए थे, अलग अलग चीज़ें उनसे पकड़ रखी थी, जैसे क्लब, लोटस, एरो वगैरह वगैरह, और एकदम ऐसा लग रहा था शरीर जैसे सुंदर ब्लू कलर का लोटस खिल गया हो। उनके चेहरे, उनके चेस्ट के ऊपर लक्ष्मी देवी का चिन्ह बना हुआ था,
उनके फेस में, उनके फेस को सजाने वाले, सजाने के लिए उनकी एक सुंदर मुस्कान थी। हाँ, जो भी उसको देखता था वो उससे कैप्टिवेटेड हो जाता था, खींचा चला जाता था, ऐसे सुंदर रूप में वो यहाँ पर आए थे। ओके, उसके बाद देवताओं ने खूब रिस्पेक्ट ऑफर करी, सबने प्रणाम वणाम किया और एक एक करके सबने प्रेयर करनी शुरू करी। हाँ, तो प्रेयर करने, दक्ष ने सबसे पहले कुछ कुछ प्रेयर करी, और बहुत सारी प्रेयर करी सबने। बोला कि आप यज्ञ के मालिक हैं, वास्तव में यज्ञेश्वर, हाँ यज्ञ के ईश्वर आप ही हैं संसार में अंदर, इसलिए आपको प्रसन्न करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य ही यज्ञ है, क्योंकि आप यज्ञेश्वर हैं, यज्ञ का पर्पज ही आपको प्रसन्न करना है। हाँ, इसलिए आपको प्रसन्न करने वाला कोई भी कार्य यज्ञ है। यू आर द मास्टर ऑफ सेक्रीफाइस, यज्ञेश्वर। और आप क्या हैं? आप परम गुरु हैं, सारी गुरु परंपरा आपसे ही निकली है, क्योंकि ज्ञान तो आप ही के पास, आप ही ने तो किसी को दिया होगा ना। हाँ, जैसे कि गीता आपने अर्जुन को सुनाई, उसी प्रकार से ज्ञान कहीं ना कहीं आपने ही दिया, ब्रह्मा को दिया, जिस चीज को भी दिया। हाँ, और इस तरह से, और आपके चारों तरफ हमेशा आपके भक्त मंडराते रहते हैं। इस प्रकार से फिर एक एक करके सब लोगों ने कई सारी प्रेयर गाई। हाँ, तो ये दक्ष की प्रेयर थी। उसके बाद आगे और भी आए, उन्होंने बोला कि हम सब लोग अपने कर्म के फलों में डूबे हुए हैं, हम आपको सही से पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन आप अपने कर्मों में, आपका कोई कर्म, आप क्या है, आप एक्चुअली अपने कर्म बंधन से परे हैं, आप ट्रांसेंडेंटल है, मतलब आप संसार की प्रकृति से, गुणों से, तमोगुण से, रजोगुण से प्रभावित नहीं, आप इन सबसे अलग हैं। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें भगवान के लिए बोली गई, कई सारे लोगों ने क्षमा मांगी। भृगु, भृगु आए, शिव जी आए, ब्रह्मा, शिव, ब्रह्मा और शिव ने भी प्रेयर करी। शिव जी ने बोला कि मेरा जो मन है वो निरंतर आपके चरणों में रहता है, ऐसा मैं कर पाऊँ, ये बड़ी आपकी कृपा है मेरे ऊपर कि मैं आपका ध्यान लगा पाता हूँ। तो ये उस इस तरह से उन्होंने बोला। उसके बाद ब्रह्मा जी भी आए, तो ब्रह्मा जी ने भी बोला आपका जो स्वरूप है वो कोई समझ नहीं सकता है, मैं ही नहीं समझ पाता, मैं ही कन्फ्यूज जाता हूँ। जैसे कि आप जब नंद के बालक बन के आए, तो मैं समझ ही नहीं पाया कि आप वही सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं, यशोदा नंदन इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, और मेरे से गलती हो गई भगवान, तो आपको कुछ समझ नहीं सकता है। उसके बाद इंद्र भी आए, इंद्र ने कहा आपने अष्ट हाथ लिए हुए हैं, ये हाथ संसार की रक्षा करने के लिए हैं, वास्तव में ये भगवान की, भक्तों की प्रसन्नता के लिए हैं, इसीलिए आप आए हो, इनसे आप दुष्टों को दंड देते हो, मैं भी एक दुष्ट हूँ, मुझे भी दंड दिया था आपने, मेरे से भी गलती हो गई थी, मैंने ब्रजधाम पर बारिश करा दी थी, लेकिन आपने मेरे दिमाग ठिकाने लगाया इन्हीं हाथों से। हाँ, उसके बाद वाइफ्स आती हैं, जो योगी लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे उनकी पत्नियाँ आके भगवान की ग्लोरिफिकेशन करती हैं। उसके बाद स्टेजी आते हैं, सिद्धाज आते हैं, प्रसूति आती है, प्रसूति भी कहती है दक्ष की पत्नी कि तुम्हारे आने से ये जगह ऑल पवित्र हो गई, यहाँ बहुत मारकाट हो गया था, मेरी बेटी भी जल गई इस चक्कर में, और बहुत कुछ हो गया है यहाँ पर, लेकिन आपके आने के बाद अब ये सब पवित्र हो गया है। फिर लोकपालाज आए, उसके बाद में वेदाज परसोनिफाइड आए, फिर अग्निदेव आए। अग्निदेव ने भी कहा कि लोग कहते हैं मेरे अंदर चमक है, लेकिन मेरा तेज तो आपका तेज है, मैं तो आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, वास्तविक अग्नि तो आप ही हैं। फिर और देवता आए, फिर गंधर्वज आए, फिर विद्याधर आए, और ब्राह्मणाज आए। तो इस प्रकार से इन सब लोगों ने भगवान की बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन करी, और फिर से यज्ञ को आगे कंटिन्यू किया गया, और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और भगवान ने दक्ष को बोला कि मैं जो है, मैं वास्तव में सुपर सोल हूँ, परम मतलब परमात्मा हूँ, अपने आप में सब कुछ कंप्लीटली हूँ, और मुझसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश, ये मेरी ही शक्ति का एक रूप है। जब मैं गुण अवतार लेता हूँ, गुण अवतार, सतोगुण अवतार, तमोगुण अवतार, रजोगुण अवतार, तो ये मेरी शक्ति बनती है, सतोगुण अवतार विष्णु, रजोगुण अवतार ब्रह्मा, तमोगुण अवतार शिव जी, इस प्रकार से ये मेरी शक्ति है और कुछ नहीं है। इनको मेरे से कभी भी इंडिपेंडेंट मत मानो, ये मत सोचो कि ये इंडिपेंडेंट देवता हैं या इंडिपेंडेंट भगवान हैं, ये मुझ पर डिपेंडेंट है, आई एम द ओरिजिनल। हाँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांस करा पुंसा, ये सब मेरे अंग प्रत्यंग हैं, मेरे देव, कुछ देवता हैं, कुछ मेरी और शक्तियाँ हैं, लेकिन इन सब का सोर्स मैं हूँ। इनको इंडिपेंडेंट कभी मत समझो, इनको इंडिपेंडेंट भगवान मान के इनकी पूजा करोगे गड़बड़ हो जाएगी सारी। इस तरीके से आप समझो कि ये मेरे से पृथक भी नहीं है और ये मैं भी नहीं हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं, अंतर है और अंतर नहीं भी है, क्योंकि ये मेरी ही शक्ति है, लेकिन ये मुझ पर डिपेंडेंट है और मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ये बड़ी अच्छी फिलॉसफी भेदाभेद की भगवान ने सिखाई। उसके बाद दक्ष ने भगवान की, विष्णु की पूजा करी वहाँ पर,
और उसके बाद उन्होंने शिव जी की, ब्रह्मा जी की भी पूजा करी। उसके बाद सारे देवता वहाँ से चले गए और सती दोबारा से पार्वती बनकर मेनका और हिमालय की बेटी बनकर आई। और फिर सती ने फिर से शिव से विवाह किया। और हमने सुना कि किस प्रकार से आइडियल हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके कृष्ण कथा निरंतर करते रहते हैं। लोग जानते ही नहीं हैं, लोग जाते भी हैं अमरनाथ, कितने लोग अमरनाथ जाते हैं। वो अमरनाथ भी अमर इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर भी शिव जी उसी भागवतम को कर रहे थे। शिव जी के कई कथाएँ आती हैं। चित्रकेतु महाराज ने एक बार शिव जी को और पार्वती को देखा। पार्वती शिव जी की जंघा पर बैठी थी। हाँ, और जंघा पर बैठ के आदमी आजकल के पार्कों में कुछ और करते हैं। शिव जी क्या कर रहे थे? शिव जी ने पार्वती को बालक की तरह बिठा रखा था, जैसे बालिका बालक बालक बैठ जाते हैं हमारी गोद में। क्यों, कैसे पता चलता है? क्योंकि दोनों कृष्ण कथा कर रहे थे। और चित्रकेतु महाराज ऊपर से जाते हुए हंस देते हैं, दर्शन देते हैं, ऐसा नहीं देखा भागवत कथा इस स्टाइल में। हाँ, तो वो भी एक अलग कथा है। तो ये हमेशा साथ में बैठ के भगवान की चर्चाएं करते हैं। हम पद्म पुराण पढ़ते हैं तो पद्म पुराण में कई क्वेश्चन पूछती है शिव जी से सती या पार्वती, और उसका आंसर हम कई बार सुनते हैं कि शिव जी ने क्या आंसर दिया इसका। तो इनकी डिस्कशंस ही यही है। तो ऐसा पति पत्नी बन पाए हम लोग कि भगवान की चर्चा में रहें। और जो इस वृत्तांत को श्रद्धा से सुनता है, बार बार सुनता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे पाप समाप्त हों ताकि हम भगवान की प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति में लग पाए। तो इस प्रकार से चैप्टर का सारांश समाप्त होता है। अब हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।